अगर आपके समस्या है सर, देखो ये पानी भरा है, कीचड़ है, मच्छर घर है, छोटे छोटे बाल बच्चे इनको सरपंच को अवगत कराया आपने इस पे? सर सरपंच को, मंत्री को, सबको बोल दिया। अच्छा, कोई सुनने को तैयार नहीं? हाँ सुनने को तैयार नहीं है सर, है नहीं। ग्राम पंचायत बांगला नागझिरी में ग्रामीण जन हुए परेशान। ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ पर ना तो शमशान जाने का रास्ता बना है और ना शमशान सही से बना हुआ है। कई बार सरपंच को भी अवगत कराया गया, फिर भी सरपंच इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीण जनों ने कई बार विधायक को भी अवगत कराया, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। जहां बोरिंग बना हुआ है वहां इतनी गंदगी है, ना तो नाली बनी हुई है ना रोड बना हुआ है। जहां स्कूल बना है वहां की भी हालत बहुत खराब है। ग्रामीण जन बताते हैं कि ये रामलाल मालवीय ने सामुदायिक भवन मंजूर किया था, वो अभी तक नहीं बना। सरकारी कुआं बना हुआ है पर गंदगी इतनी फैली हुई है कि ग्रामीण सरपंच के पास जाते हैं तो सरपंच बोलता है, मैं कहां से लाऊं पैसे, ऊपर से पैसे नहीं आए। मजदूर के लिए चले जाते और कोई सुनते नहीं है हमारे। पानी में जो जैसे आदमी अधूरा काम पड़ा है, ये अधूरा काम पड़ा है। दो चार बार कोई भी नहीं सुनते हमारी, गरीब नहीं है कोई भी आदमी में। कौन को बोले, सरपंच मंत्री को सुनते नहीं है। वो जंगल में रहते हैं, उनको क्या करना गाँव से, जंगल में कोई नहीं बोलता है। भाई हम क्या जाना कि हमारे घर के लगाए क्या, ऐसे बोलते हैं हम। भाई हमको जमीन बेच कर लगा नहीं, ऐसा बोलते हैं। ये बस्ती आ गई, ये बस्ती अब चले जाओ, बहुत बस्ती आगे है। आगे कम से कम इस गांव में 500 घर की बस्ती है। बहुत परेशान है बच्चे, बच्ची हर चीज से। आपने अवगत कराया किसी को? करवा हम के कौन को बताया आपने? बताया सर, रहने वाले यहाँ पर स्कूल जर्जर पड़ा हुआ है। यहाँ पर पुरानी पंचायत भी जर्जर पड़ी हुई है। ग्रामीण जनों ने बताया कि जिस बोरिंग में बहुत ज्यादा पानी है उस बोरिंग को सरपंच द्वारा बंद कर दिया गया। उस जगह गंदगी बहुत हो रही है, वहीं गंदा नाले का पानी बहता है। पूर्व विधायक नारायण परमार के कार्यकाल में जो कुआं स्वीकृति होकर बना था, उस कुएं की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उसमें गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे ग्रामीण जन परेशान हो रहे हैं। बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने कई बार सरपंच और मंत्री को अवगत कराया, फिर भी कुछ नतीजा नहीं निकला। ग्रामीण जनों की समस्या सुनने को तैयार नहीं। हम ऐसे बैठे नाला में पड़े, हम भी क्या कर सका। बाल बच्चे हमारे दुखी, बीमार हो रहे हैं, गरीब की नहीं सुनते साहब। ये समस्या, इनको चार बड़ा गली नाप गया है तो भी नहीं मंजूर करी, नहीं रा गया, दूर इंच ले गया। मित्री सरपंच को बोला था आपने? हाँ बोलिया, सरपंच भी नाप गया, मित्री भी नाप गया, ये चार दान की ये गली ऐसी रह गई। मंजूर हो गई थी गली? हाँ वो गई थी मंजूर, वो नाप जो पैसे ले ले खा गया होगा। अबे क्या पता मंजूर हुई कि नहीं हुई, पर नाप के तो दिल्ली गया था। ग्रामीण जन बताते हैं कि चुनाव आते हैं वोट मांगकर चले जाते हैं, वापस पलट कर नहीं आते। ऐसे में ग्रामीण जनों की कौन सुनेगा, किसको सुनाएंगे वो अपना हाल। तूफान से मंजारा बताते हैं कि चौराहे पर अतिक्रमण हो रहा है, गंदगी फैली हुई है, शमशान सही ढंग से नहीं बना, आने जाने का रास्ता नहीं है, गरीबों का आवास नहीं है, कुएं के पानी की समस्या, बोरवेल पुराने कुएं में अति गंदगी होने से बीमारियां फैलती है, अतिथि भवन में स्कूल लग रहा है, आंगनवाड़ी भवन नहीं सामुदायिक भवन के लिए राशि स्वीकृत की गई थी परंतु अभी तक नहीं बना। परेशान ग्रामीण तूफान से मंजारा, जगदीश चावड़ा, डोधा सह दायमा, भमर सह राठौर, नारायण गोड़, भादर खिंची, नारायण दायमा, सिंधु गोड़, हरि सह गोड़, जगदीश गोड़, शांतिबाई दायमा, दुलीबाई, लीलाबाई, रमेश कछावा ने ये सब जानकारी दी। ये पूरे ग्राम ने मारता है पानी, आस पास ये देखो ना कितना जान पड़े हैं, देखिए गंदगी है, ये पड़ा है, पीते हैं पूरा बत्ती पीते हैं। और ये मंदिर बना हुआ पास में, ये प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है? ये नागमा, इसका ही है। अच्छा। और इसकी देन है, देखो ना ये कितना गंदगी है इसमें। सरपंच का अवगत कराया आपने? सरपंच को बोला है, पर सरपंच बोल रहा है कि हाँ कागजात भी पहुँचवा दिया, वो भी पहुँचवा दिया, कोई नहीं है। अच्छा, आपकी सुन नहीं रहे हैं? सुन नहीं रहे, बोलते है SDM को पहुंचवा दिया, तहसीलदार को पहुंचवा दिया, थाने में दे दिया, अब क्या मालूम, कोई जानकारी नहीं आ रही हमारे पास। वो तो गांव वाला अच्छा दे रहा है, पानी भरा 20 साल से, ये हमारी नाली इधर ही है ना, पानी आके वो गंदगी हो रहा है। और आगे जाके देखो, तुम भी जाके देखो, देख क्या है हम अभी। हाँ तो देखो, पर बड़ा बहुत गंदी वाड़ा में पड़े हम, हमारी कोई भी नहीं सुनता है, सरपंच मंत्री कोई नहीं सुनता है। सरपंच को बोला था आपने? बोलिया, अरे गली का नाम तो बहुत बोलिया हमने, ये मकान मेरा, मां रोटी खा, हम जाके देखो बना हुआ है वहाँ पे। वो आगे बता रहे बाबा, बना तुम्हारा वो पुलिया बना हुआ आगे, वो किसके पैसे से बना हुआ? अगमी चुनाव आ रहे, इसमें एक भी गांव वाला वोट नहीं डालेगा, नहीं डाल। हमारे समाज वाले को, सभी को ये बोलना चाहता हूँ, जो जो सरकार के हिसाब से जो पैसे, जो मुर्दा मर जाता है उसके स्वयं सरपंच को और मंत्री को 5,000 रुपए राशि दी जाती है, और यहाँ ऐसा कतई नहीं होता है, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं, यहाँ कैसे ही नहीं होता। जिस आदमी को लखपति है उसको प्रधानमंत्री आवास मिल जाती है, जो गरीब है उसको नहीं मिलती है,
एक आपको मैं बताऊंगा, उनको ना तो जमीन है ना कहीं नहीं, मतलब उनको कुछ भी नहीं, उनको आठ बेटी है तो भी उनको वो क्वार्टर आज तक नहीं, नहीं, मंजूर नहीं, कई बार वो घूम जाता है बस वो ठीक है। हाँ हाँ, एक बार साई बाबा आया था उसके सामने भी वो बंदा बोला था, बोले साहब मेरा घर देखो, जबकि उसके घर पे चद्दर भी नहीं था, कुछ भी रहने के लिए नहीं था, फिर भी उसकी सुनवाई नहीं, बड़े बड़े को क्वार्टर मिल रही है, यहाँ पे गरीब को कुछ भी नहीं हो रहा, ये गरीब के साथ में अन्याय हो रहा है, और जो जिसके पास जमीन जाएगा उनको क्वार्टर और छत वाला मकान बना के दे रही है सरकार, और जिनके पास एक बीघा जमीन नहीं उसको तो कुछ भी नहीं, तरफ रास्ता नहीं है और इधर नई बस्ती बनी है, उधर 100 घर के 25 घर पटवारी को तहसीलदार की वोटिंग दे चुके हैं, कई बार हमने अवगत करा दिया लेकिन आज तक हमारी कोई से खबर, ये तो आप पहले व्यक्ति हो अवंती का, हमको अवंतिका का मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आए और हमारे गांव की समस्या आप आगे, आप हमको विश्वास, हमारे विश्वास पत्रकार पे विश्वास है कि आप हमारी ये खबर आप आगे पहुंचाओगे एसडीएम साहब से, सीओ साहब से और कलेक्टर साहब के, यही विनती करना चाहते हैं। मेरा नाम तूफान सिंह बंजारा हूँ, अखिल भारतीय युवा बंजारा जिला अध्यक्ष हूँ। मैं कई बार हमारे को कोई नहीं चाहिए, ना तो विधायक सांसद से एक रुपया नहीं चाहिए। एक बार विधायक जाता है वोट जीतने के बाद दोबारा गांव में आने की इच्छा नहीं करता है, चलो गांव में क्या देखेंगे, सांसद आया सांसद भी नहीं आता, एक बार वोट मांगने के लिए आएंगे साहब हमको वोट देना, उसके बाद दोबारा जीतने के बाद गांव में आके पैर नहीं रखता है कि चलो हम देखे गाँव को क्या है।